सहसपुर के ग्राम कैचीवाला में प्रधान के ऊपर लगा अवैध जमीन बेचने का आरोप। वहीं प्रधान जी से बातचीत की गई तो प्रधान जी ने बताया कि देहरादून के कुछ भू माफियाओं ने पैसों की मांग की। जब मेरे द्वारा पैसे नहीं दिए गए तो उन्होंने मेरे ऊपर अवैध जमीन बेचने का झूठा आरोप लगाकर मेरी वीडियो वायरल कर दी। मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। मेरे द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया है, जिसकी सूचना मैंने प्रशासन को भी दे दी है, जिसकी जांच चल रही है, और वह जमीन मजिस्ट्री की है जो कि ग्राम समाज की भी नहीं है। यह सभी लगे आरोप झूठे हैं। वाला ग्राम के प्रधान है आप तारा सिंह जी, तो यहाँ से भी एक आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है जमीन को लेकर के, तो ये मामला कहाँ तक सच और कहाँ तक झूठ है, क्या कहेंगे आप इस विषय पर? जो ये भी मैंने भी देखा था, यूट्यूब पे आया था, मैंने उसको देखा, मेरे पास वीडियो भेजी गई, लेकिन ये जो मामला लगाया गया ये सब निराधार है, क्योंकि जो हमारा ये हमारा जो ग्राम सभा है बंदोबस्त में है और बंदोबस्त से भी निकल नहीं पाई। ये मामले पहले भी सामने आए थे। इस मामले में जो लगाया जा रहा है आरोप, जो लगाया जा रहा है जमीन की ग्राम प्रधान ने जमीन बेच दी, ये सब झूठा है, क्योंकि हमारा जो नंबर पड़ता है 353 है, वो हमारा उसमें ग्राम समाज की भूमि, उसमें एक विश्वा भी नहीं है। जो उसमें 1.5-2 बीघे जमीन थी वो पहले ही 84-85 पट्टे दे दिए गए थे। अब जितनी उसमें जमीन बैठती है वो टोटल काश्तकारों की जमीन है, ना ही वो नदी का कोई नंबर है। ये जो काश्तकार थे उन्होंने उस जमीन पे कब्जा किया, ना कि ग्राम प्रधान ने। अच्छा, कब्जा किया गया, बेचा नहीं गया है? हाँ, कब्जा किया, बेचा नहीं गया। सब आते हैं, हम जाते हैं, क्योंकि भू माफिया इतने खतरनाक है। क्योंकि अभी हमने एक वीडियो और भी वायरल हुई थी कि हमारे साथी प्रधान थे अपना झाझरा के दुलूकोट के, वो भी किसी असामाजिक तत्व द्वारा पीटे गए थे, उसकी वीडियो मेरे सामने। इसलिए हम भी भाई भू माफिया से डर लगता है, हम भी प्रशासन को शिकायत करते हैं, ये काम प्रशासन का देखने का, ना कि हमारा, हमने शिकायत कर दी थी उसकी। सर, आप ग्राम प्रधान है कैची वाले के, प्लस आपकी सरकार, आप बीजेपी से हैं, आप, मैं देख रहा हूँ अभी भी आप बीजेपी के विधायक के साथ अभी थे उनके चुनाव प्रचार में, आप बोलो डर लग रहा है इसमें, सोचने इसमें ऐसा होता है। भू माफिया आजकल आप चुनाव में भी देख रहे होंगे, क्योंकि जो मेरा चुनाव भी हुआ था वो भी एक भू माफिया से हुआ था, वो जनता ने सपोर्ट किया, फिर दोबारा उसके बने साफ छवि के थे, इसलिए जनता ने दोबारा से चुना है। तो भू माफिया है आपके सपोर्ट में, आपके विधायक नहीं खड़े होते, आपके क्षेत्र के विधायक या आपके क्षेत्र के एमपी या आपकी, तो आपके यहाँ पे उत्तराखंड सरकार विधायक जी खड़े होते हैं, लेकिन जो हमारा ये अटक फार्म है बंदोबस्त में, इसमें ये नहीं पता चल जाता है कैंची वाले का आदमी खैरी में बैठा है, खैरी का आदमी जमीन लेके कैंची वाले में बैठा, ये पोजिशन इसमें ज्यादा है। कौन लोग हैं जो आप पर आरोप लगा रहे हैं, क्या क्षेत्रीय लोग हैं या बाहर के लोग हैं? ये जो आरोप लगाया गया है ये कोई न्यूज चैनल वाला तो मेरे घर भी आया, मेरे भांजे के साथी में उन्हें नहीं मिल पाया, उनका 2-3 बार फोन भी आया, उनको मैं मिल नहीं पाया। ये जो भू माफिया काश्तकारी रहते हैं, ये देहरादून से बिलोंग करते हैं, कोई क्या बोलते हैं उनको, नोटियल करके है, 4-5 है वो लोग है उसमें।